में अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची विख्यात गायिका आशा भोसले भी इसमें शामिल हुई। उन्होंने कहा, जिन बहनों और लड़कियों के पास पैसा नहीं है उनको 1500 रुपए देने का काम किया, वो बहुत अच्छा है। मैं भी उस रास्ते से गुजरी हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी घर का काम करती हूँ, आज 92 साल की हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा मूल मंत्र है कि किसी के आगे हाथ न फैलाना। भारत में उन बहनों के लिए लाडली बहन योजना बहुत अच्छी है। आशा भोसले ने पीएम मोदी के लिए कहा कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये 1500 रुपए, 15 आजकल के जमाने में CR जैसे लाखों रुपए जैसे बातें होती हैं, 1500 रुपए जिन लड़कियों के पास, औरतों के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को उसका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं इस हालत से गुजरी हूँ। मैं संगीत में हूँ लेकिन मैं गृहिणी हूँ। इस संसार में काम करते करते, घर देखते देखते, बच्चे देखते देखते, मैं कभी 92 ईयर्स की हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। 92 साल की आज मैं हूँ। मैंने यही सीखा था कि सूखी सूटी खा लेना, नमक नहीं है तो नमक के बगैर खाना, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना।